Hi guys, welcome back to my channel. If you never seen my face before, hi guys, hello. My name is Ritika Sheen Gupta Paul and guys, this is my channel Bongo Nari Ritika. और आज का जो मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है वो है होली मेकअप ट्यूटोरियल. ये मेरा फर्स्ट कलर है लाइट पिंक और इसके बाद मैं बहुत सारा कलर का मेकअप ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ आप लोगों के लिए होली स्पेशल. एनीवेज गाइज, सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो. विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट जंप इनटू टुडेज मेकअप ट्यूटोरियल. दिस इज अ हेलो आई मेकअप ट्यूटोरियल एंड आई होप कि आपको ये पसंद आएगा. एनीवेज, होली के दिन आपको एक चीज दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि आप ओपन ग्राउंड में खेलने वाले हो. होली मैक्सिमम लोग ओपन ग्राउंड में खेलते हैं तो यू हैव टू यूज अ गुड SPF, गुड सनस्क्रीन. तो मैं जो सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ वो है लोटस हर्बल सेफ सन स्पोर्ट सुपर स्टे सन ब्लॉक. दिस इज SPF 70. तो मैं इसे यूज करना प्रेफर करूंगी. So guys, one more thing, you can apply it on your body. You can apply it on your legs, on your hand, on your shoulder, on your chest, everywhere. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऑफलाइन अपने आईब्रो को कर लिया है बिकॉज माई आईब्रो रूटीन इज वेरी वेरी सिंपल. तो मैं हर रोज दिखाना पसंद नहीं करती हूँ तो मैं ऑफलाइन करना प्रेफर करती हूँ. उसके बाद मैं क्या करूँगी, मेकअप रेवोल्यूशन कंसीलर के साथ मैं थोड़ा सा शेप कर लूँगी अपने आईब्रो को और एज अ आई शेडो बेस भी मैं थोड़ा सा इस कंसीलर को यूज़ कर लूँगी ऑन माई आई लिड. नेक्स्टली मैं अपने कंसीलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. मैं डायरेक्टली आई शेडो पैलेट ले लूंगी और मैं यूज कर रही हूँ दिस SFR कलर मिनिएचर आई शेडो पैलेट. मिनिएचर पैलेट से मैंने ले लिया है लाइट पिंक कलर को और उसको मैं एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अपने पूरे के पूरे आईलिड पे बहुत अच्छे से अप्लाई कर लूँगी और अपने क्रीज एरिया को अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी एट द सेम टाइम, क्योंकि मैं एक सॉफ्ट हेलो आईज़ करने की कोशिश कर रही हूँ. हेलो और हेलो आईज़ करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं ऑब्वियसली ब्लेंड करना प्रेफर करूँगी. एनीवे सेम आई शेडो पैलेट से मैं अभी ले लूँगी ये डार्कर पर्पल काइंड ऑफ अ कलर. डार्कर कलर को लेके मैं आईज़ के इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर लूँगी बिकॉज दिस इज़ अ हेलो आईज. तो गाइज एक बात मैं बताना चाहती हूँ, दिस आई शेडो पैलेट इज़ bomb.com और मैंने इसे कफ्स एंड लैशेज से लिया था. एंड गाइज दिस आई शेडो पैलेट अगर आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको जितना सारा पिगमेंटेशन मिलेगा इसमें फॉल आउट भी काफ़ी होता है. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. आप अपना आई मेकअप पहले कर लो फिर फेस मेकअप करो. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आई शेडो पैलेट से मैं अभी ले लूँगी दिस लाइट शिमरी बेबी पिंक कलर. एक छोटा सा पैकिंग ब्रश के साथ मैं शिमरी कलर को मिडल ऑफ द आईलिड पे अप्लाई कर लूँगी एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल कलर. एंड गाइज आई लव दिस आई शेडो पैलेट एंड दिस लुक इज टर्निंग आउट वेरी गुड. अभी मैं आईलाइनर का प्रयोग करूंगी और आईलाइनर जो आज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है दिस यू कैन बी ब्राउन आई शेडो ब्राउन आईलाइनर. मैं शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश कर रही थी और मैंने पूरा ख़राब कर दिया. एनीवेज तो मैं इस ब्राउन आईलाइनर को अप्लाई कर लूँगी ऑन माय आईलिड और थोड़ा सा विंग्ड आउट भी कर लूँगी. नेक्स्टली मैं क्या करूँगी, अभी थोड़ा सा कलर एसेंस ग्लिटर शिमर आईलाइनर, दिस इज अ सिल्वर शिमर आईलाइनर, तो इसको अप्लाई कर लूंगी ऑन द मिडल ऑफ द आईलिड. आईलैश कर्लर के साथ मैं अपने आईलैश को थोड़ा सा कर्ल कर लूंगी. फिर उसके बाद क्या करूंगी, वेट एंड वाइल्ड स्किनी नॉट अ वाटरप्रूफ मस्कारा यूज कर लूंगी. एंड गाइज दिस मस्कारा इज गुड इफ यू आर वेयरिंग फॉल्सीज. अगर आप फॉल्सी नहीं पहनने वाले हो तो आपका आईलैश अगर मेरी तरह बहुत छोटा छोटा है एंड डाउनवर्ड है दिस विल नॉट वर्क फॉर यू. ये आपको ना कर्लिंग देगा ना वॉल्यूम देगा ना लेंथ देगा, कुछ भी नहीं है. ये बहुत ईजिली लाइक वॉश ऑफ भी हो जाता है. सो आई डोंट नो ये क्यों मैंने खरीदा, बट मैंने खरीदा तो यूज़ करने तो बिल्कुल ही वाली हूँ बिकॉज पैसों की बहुत अहमियत है. एज अ फेस सीरम आज मैं यूज़ कर लूँगी दिस VLCC स्निग्धा फेस ब्राइटनिंग सीरम. गाइज ये सीरम को मैं पिछले 1 वीक से यूज़ कर रही हूँ, मैंने रियली लाइक इट. बट इसका नाम है VLCC स्निग्धा फेस वाइटनिंग सीरम और अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कोई भी वाइटनिंग प्रोडक्ट का नाम
वाइटनिंग नहीं बताती हूँ इन अ फर्स्ट प्लेस, मैं ऑलवेज ब्राइटनिंग बताती हूँ, बिकॉज वाइटनिंग वर्ड ना मेरा अंदर से खा जाता है। आई सीरियसली हेट वाइटनिंग वर्ड, पता नहीं फेयरनेस से मुझे इतना नफरत क्यों है, आई डोंट नो। एज अ फाउंडेशन आज मैं यूज कर लूंगी वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस फाउंडेशन। एक्चुअली गाइज एक बात मैं बताना चाहती हूँ, आई डोंट हेट फेयरनेस, आई जस्ट हेट द थिंग कि इंडियन लोगों का जो ऑब्सेशन है ना फेयरनेस के बारे में, ये सोचते ही मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। दैट्स वाई आई डोंट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ वाइटनिंग सीरम क्रीम और समथिंग लाइक दैट, बट दिस इज़ वर्किंग ग्रेट फॉर माई स्किन, ये ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छे से काम करता है, इसलिए मैंने ब्राइटनिंग वर्ड यूज़ किया। एनी वेज तुम फाउंडेशन को बहुत लिटिल अमाउंट पर लेके पूरे के पूरे फेस में अप्लाई कर लूँगी, बिकॉज आई डोंट नीड टू अप्लाई टू मच फाउंडेशन। एज अ कंसीलर मैं यूज़ कर लूँगी मेकअप रेवोल्यूशन कंसीलर। अगर आप देखोगे तो मैं ट्राई एंगल शेप यूज़ करना बंद कर दिया अंडर माई आई, मैं जस्ट डॉट के साथ यूज़ करती हूँ, आउटर कॉर्नर में एक डॉट और इनर कॉर्नर में दो डॉट, दैट विल बी एनफ फॉर माई अंडर आई। नेक्स्ट डे एज अ कॉन्टोर प्रोडक्ट मैं यूज़ कर लूँगी मार्स दिस कॉन्टोर स्टिक। दिस इज़ अ अमेजिंग वेरी चीप अफोर्डेबल कॉन्टोर स्टिक, आई लव दिस कलर, दिस इज़ वेरी वेरी नेचुरल। मैं बहुत अच्छे से अपने कंसीलर एंड कॉन्टोर को ब्लेंड कर लूँगी। एंड गाइस क्यों मैंने अपना कंसीलर का प्रोसेस चेंज किया, क्योंकि ईयर के साथ साथ हमारे सबका एज बढ़ता है, सो ये कोई छुपाने की बात नहीं है कि एज सबका बढ़ता है, एंड आई एम इन माई लेट 20s, सो यू हैव टू चेक ऑन योर मेकअप रूटीन्स। अगर आप अंडर आई में इतना सारा कंसीलर अप्लाई करोगे तो आपका एज जो है वो डबल लगेगा। सो अगर आप अर्ली 20s में हो यू कैन डू एनीथिंग विथ योर स्किन, लेकिन आप लेट 20s में हो सो यू हैव टू कंट्रोल एंड करेक्ट सम काइंड ऑफ मेकअप टिप्स एंड ट्रिक्स, सो डू फॉलो माई टिप्स। अभी मैं फेस को सेट कर लूंगी विद दिस लॉरियल ट्रू मैच फिनिशिंग पाउडर। कंसीलर कॉन्टोर फाउंडेशन एवरीथिंग मैं सेट कर लूंगी विद दिस पाउडर। दिस इज अ अमेजिंग वेरी लाइट वेट एंड वेरी फुल कवरेज, लाइक लाइट वेट एंड फुल कवरेज, दिस इज अ मैजिक पाउडर, आई लव दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू अप्लाई रिमल लंडन काजल, ब्लैक काजल ऑन माई आउटर कॉर्नर ऑफ द लोअर लैश लाइन। मैं पूरे के पूरे लोअर लैश लाइन में नहीं यूज़ करूँगी। आउटर कॉर्नर में अप्लाई करने के बाद अभी मैं थोड़ा सा डार्कर जो मैंने पर्पल कलर का इस्तेमाल किया था उसके साथ मैं लोअर लैश लाइन को धीरे धीरे ब्लेंड करते करते इनर कॉर्नर की तरफ जाऊँगी, ताकि मेरा आइज थोड़ा सा ओपन अप लगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है काजल अप्लाई करने के बाद मेरा आइज छोटा लगता है बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अ स्मॉल सेट ऑफ आइज। एंड गाइज अगर मैं बहुत ज़्यादा डीप एंड थिक काजल का इस्तेमाल करती हूँ, आजकल मेरा आइज़ बहुत ज़्यादा छोटा लगता है, तो मैं ये प्रोसेस का इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरा आइज़ थोड़ा सा ओपन अप लगे। मैं आउटर कॉर्नर में अप्लाई करके फिर धीरे धीरे डार्कर कलर के साथ ब्लेंड करते करते इनर कॉर्नर की तरफ लाती हूँ, सो इट विल लुक गुड ऑन माई सेट ऑफ आइज़। तो अभी मैं क्या करूँगी, इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन हाईलाइटर का इस्तेमाल कर लूँगी। मैंने जो हाइलाइटर का इस्तेमाल किया था ऑन माय इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन वो है आई शेडो पैलेट का वो शिमरी बेबी पिंक कलर। एनीवेज तो अभी मैं मेकअप रेवोल्यूशन फेस पैलेट ले लूँगी। फेस पैलेट का लाइटर कॉन्टोर शेड के साथ अभी मैं अपने फेस का जो मैंने कॉन्टोर किया था उसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी और थोड़ा सा और ज़्यादा ओपेक कर लूँगी। और गाइज अगर आपका कॉन्टोर पाउडर कॉन्टोर थोड़ा सा मडी लग रहा है ऑन योर स्किन, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मडी रग रहा था मेरा कॉन्टोर, मैंने उसके बाद क्या किया ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, थोड़ी मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी, तो ब्यूटी स्पंज के साथ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अभी मैं सेम पैलेट से ले लूँगी दिस हाइलाइटर शेड। सो गाइज दिस हाइलाइटर इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, वेरी वेरी लाइट एंड नेचुरल, सो समटाइम्स आई सीरियसली नीड अ वेरी हैवी हाइलाइटर, वेरी ब्लिंगी हाइलाइटर, एंड समटाइम्स आई नीड वेरी नेचुरल सॉफ्ट हाइलाइटर, सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल सॉफ्ट हाइलाइटर। अभी मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी और मैं यूज़ कर रही हूँ दिस शुगर मिनी सॉफ मॉव लिक्विड लिपस्टिक। गाइज दिस कलर इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल विथ माई आई मेकअप एंड माई आउटफिट। तो एक बात मैं बताना चाहती हूँ, मैंने इसी वीक खरीदा है वो मिनी किट जिसमें 4 लिपस्टिक आपको मिल जाएगा। आई रियली लव द कलर्स, लव द पिगमेंटेशन, बट द लिपस्टिक्स आर रियली रियली ड्राई ऑन माई लिप्स,
स्किन बोलने जा रही थी। एनीवेज तो आपके लिए कैसे सूट करता है डेफिनेटली डू लेट मी नो इनटू माय कमेंट बॉक्स बिलो, तो मुझे भी पता चलेगा। सो गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए, अगर आपको आगे भी जाके ऐसे सारा मेकअप ट्यूटोरियल देखना है, रिव्यू वीडियोस देखना है, प्रोडक्ट के बारे में जानना है, तो डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो बार के नीचे एक रेड वाला बटन दिखेगा, उसको दबाना पड़ेगा। उसके पास एक बेल वाला बटन है, उसको दबाना पड़ेगा। डेफिनेटली डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड होली को बहुत अच्छे से एंजॉय करना। बाय, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी। टेक केयर गाइज।